हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं एक नया गेम। इस गेम का नाम है डोमिनेशन। इस गेम में हमको अखंड भारत बनाना है भाई। अब तो भाई इस गेम में बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को, क्योंकि भाई बहुत मस्त गेम है ये। इंडिया में एक भी यूट्यूबर नहीं दिखा मुझे जिसने ये गेम खेला हो। तो मैं पहला यूट्यूबर इंडिया का जो ये वाला गेम खेल रहा है भाई। तो भाई देखिए हमारी इतनी मिलिट्री है, देखिए 97 मिलियन ट्रूप्स है हमारे, और पैसे हमारे पास अभी 1.38 मिलियन है। और देखिए इस गेम की मुझे एक बहुत बुरी बात ये लगी, देखो इनने जो कश्मीर देखो कैसे दिखा रखा है भाई, पाकिस्तान के एरिया में दिखा रखा है इसने कश्मीर। तो कोई नहीं भाई, हम पाकिस्तान से ले लेंगे अपना कश्मीर। अभी पहले मैं एक चीज करता हूँ, रुको अभी देख लेता है पाकिस्तान का कौन कौन दोस्त है डिप्लोमेसी में। भाई रशिया बेस्ट फ्रेंड है भाई पाकिस्तान का। ओ भाई, अगर हमने पाकिस्तान को अभी अटैक किया तो रशिया को बुरी लग जाएगी, इसलिए अभी अटैक नहीं करते। और इंडिया का भी दोस्त अभी रशिया गया, फिर लेबनान है, और सबसे खतरनाक दुश्मन अभी इंडिया का चाइना है, देखो ये रहा। और इसीलिए भाई अभी हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, पहले म्यांमार पे देखते हैं भाई। हाँ म्यांमार को कर सकते हैं हमला। तो भाई म्यांमार को अपनी आर्मी भेजते हैं म्यांमार पे, और म्यांमार पर पहले कब्जा करते हैं, फिर हम थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान पे भी कर लेंगे, लेकिन अभी म्यांमार पर देखते हैं भाई। लो भाई अटैक करो म्यांमार पे, अटैक। चलो भाई देखिए हमारी इंडियन आर्मी जा रही है म्यांमार के बॉर्डर पर, और अब हमला करेगी। देखिए कैप्चर करना शुरू कर दिया है इंडियन आर्मी ने म्यांमार को। देखिए धीरे धीरे कैप्चर हो जाएगा ये म्यांमार, इंडियन आर्मी धीरे धीरे कैप्चर कर गया है इनका एरिया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता है, इधर आ जाओ भाई म्यांमार पर कब्जा कर लो। देखो भाई म्यांमार पर हमने कब्जा कर लिया है पूरा। और देखिए भाई चाइना ने ये कौन सा देश है, इस वाले देश पर जंग छेड़ दी थी, और भाई देखो चाइना भी बढ़ता जा रहा है। तो चलो अब थाईलैंड पर करते हैं। रुको पहले अपनी आर्मी देख लेता है कितनी है। आर्मी थोड़ी कम हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ी आर्मी ट्रेनिंग पर लगाएंगे। आर्टिलरी ले लेते हैं, टैंक्स भी थोड़े ले लेते हैं, सारा पैसा मैंने आर्मी में लगा दिया अपनी। ओके गाइस देखिए हमने म्यांमार कैप्चर कर दिया है, इतने हमारी आर्मी ट्रेन हो रही है, इतने थोड़ा वेट करते हैं। आर्मी ट्रेन हो दो, ये लो हो गई भाई, देखो दिल्ली में आर्मी ट्रेन हो चुकी है। इस आर्मी को अब यहाँ बुला लेते हैं। अब हम थाईलैंड पर अटैक करने की सोचेंगे, थाईलैंड का दोस्त देख लेता है कौन है थाईलैंड का। पाकिस्तान सबसे अच्छा दोस्त है थाईलैंड का, अगर मैंने इस पे अटैक किया थाईलैंड पे भी तो पाकिस्तान भी हमारे ऊपर जंग छेड़ सकता है। देखते हैं फिर बांग्लादेश देखते हैं, बांग्लादेश का दोस्त तो भाई एस्टोनिया है, लेकिन एस्टोनिया तो बहुत दूर है भाई, एस्टोनिया हमारे पर हमला नहीं कर पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ बांग्लादेश पर जंग छेड़ देता है। हाँ तो चलो बांग्लादेश पर अपनी आर्मी बुलाते हैं यहाँ पर। तो देखो ये धीरे धीरे कैप्चर हो रहा है। लो भाई हो गया। ओके तो भाई देखो इंडिया कितना बड़ा लग रहा है अभी, देखते हैं किसने हमारे ऊपर जंग तो नहीं छेड़ी। नहीं तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ नेपाल और भूटान को भी अपने कब्जे में लिया जाए। सिंगापुर इनका सबसे अच्छा दोस्त है, और भूटान का देखता है, भूटान का दोस्त भी गया वो ना भाई, तो अफ्रीका में। तो चलो भाई इन दोनों देशों पर जंग छेड़ देता है। आधी आर्मी यहाँ जाएगी, आधी आर्मी चलो भाई। ये देखो भाई हमारा भारत महान। गाइस अभी तो हमको चाइना को हराना पड़ेगा, और ये सारा इंडोनेशिया भी लेना पड़ेगा हमको। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई पाकिस्तान की बारी आ चुकी है, या फिर पाकिस्तान से पहले थोड़ा यार श्रीलंका देख लेते हैं। पहले आर्मी ट्रेन कर लूं थोड़ी, हमारी आर्मी थोड़ी कम हो चुकी है, 660 आर्टिलरी मंगा लेते। ओ भाई यहाँ पर ताइवान ने श्रीलंका पर हमला कर दिया है। अरे यार अब ये ताइवान का हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि गाइस अब हमको पाकिस्तान पर हमला करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं पाकिस्तान का दोस्त अभी थाईलैंड है सबसे बढ़िया, लेकिन थाईलैंड ये रहा, कश्मीर ही लेके सबसे पहले अपना कश्मीर वापस ले गया। देखो कश्मीर में जा रही है हमारी इंडियन आर्मी सारी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता है। ये देखो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेट्स गो। कश्मीर हमारा होता जा रहा है धीरे धीरे। चलो भाई वो सऊदी अरब भी यहाँ पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, देखो इधर से कराची की साइड से। तो चलो लेकिन हम सऊदी अरब से पहले कैप्चर कर लेंगे पाकिस्तान को। और ये लो भाई पाकिस्तान हमारा हो चुका है। और भाई अफगानिस्तान पर भी अटैक करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अभी कमजोर है बहुत। तो गाइस अफगानिस्तान भी हमारा हो चुका है, देखते हैं हमारा सबसे अच्छा दोस्त अभी रशिया है। देखो भाई रशिया सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, और ये हमारे दुश्मन है, पता नहीं ये चैड भी वियतनाम कौन कौन से देता है। और जापान भी हमारा दुश्मन बन चुका है, जापान टर्की। ओ भाई यार जापान तो हमारा दोस्त था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ थाईलैंड की तरफ जाओ, थाईलैंड पर अटैक कर, थोड़ी आर्मी ट्रेन कर लेता हूँ अपनी। सऊदी अरब सबसे अच्छा दोस्त है अभी थाईलैंड का, लेकिन कोई नहीं हम इस पे जंग छेड़ देते हैं। चलो भाई यहाँ पर थाईलैंड पर हमारी आर्मी जाते हुए यहाँ पर जंग छेड़ दिया हमने, थाईलैंड से जंग हो चुकी है हमारी। थाईलैंड कैप्चर कर लो, थाईलैंड भी हमारा कैप्चर हो चुका है। मलेशिया पे चलो अटैक करते हैं। अब मलेशिया का दोस्त कौन है अभी, मलेशिया का दोस्त ऑस्ट्रेलिया है अभी, कोई बात नहीं। चलो भाई मलेशिया पे अपनी आर्मी भेजो। अरे यार मलेशिया को पहले ही डेनमार्क ने कैप्चर कर दिया है यार, थोड़ी आर्मी ट्रेन कर लेता है, फिर इंडोनेशिया पर अटैक करेगा। तो चलो अपनी आर्मी यहाँ पर भेज देते हैं इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया पर अटैक करते हैं। चलो भाई जो होगा देखा जाएगा, इतने बड़े देश से हम हमला कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया को कैप्चर कर लो सारे। देखो भाई हमारी आर्मी कहाँ कहाँ जा रही है इंडोनेशिया को कैप्चर करने के लिए। ये लो भाई
इंडोनेशिया हमारा हो जाएगा अब। लेट्स गो यार, अब हमको चाइना को हराना पड़ेगा। चाइना बहुत मुश्किल है चाइना को हराना, इसलिए अभी हमें थोड़ी और ज़मीन चाहिए चाइना को हराने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ईरान पर हमला किया जाए, तो रुको पहले सारी आर्मी को यहाँ बुला लूँ, थोड़ी आर्मी ट्रेनिंग पर लगा देता है, फिर ईरान पर हमला करेगा। चलो भाई ईरान पर हमला करने चलते हैं। ये रहा ईरान। एंड फाइनली गाइस देखो इंडिया कैसे दिख रहा है भाई। ये कौन सा देश है यार? सऊदी अरब को यार, चलो सऊदी अरब पे भी हमें को जंग छेड़नी पड़ेगी। अब तो पहले आर्मी ट्रेन कर लेता है भाई। अब सऊदी अरब का दोस्त देखते हैं सबसे अच्छा दोस्त कौन है। सूडान है, सूडान हमें कुछ नहीं कहेगा भाई, सूडान तो बहुत कमजोर देश है। और गाइस ये जो मैं वीडियो बना होती है बस एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, तो इस वीडियो को भी सीरियस मत लेना। मुझे सारे देशों से प्यार है भाई, नफरत नहीं करनी चाहिए किसी को भी ना, बात सब मिलजुल के रहो भाई, लड़ाई लुड़ाई में कुछ नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है मेरी जो वीडियो होती है। तो देखिए हमारी आर्मी ट्रेन हो चुकी है, देखो भाई साल भी दिखा रहा है इसमें, 12 मई 2047 चल रहा है अभी, यानी कि हमारे देश को आजाद हुए भी पूरा 100 साल हो चुका है। तो आई चलो अब सऊदी अरब पर हमला करते हैं। ये रहा सऊदी अरब, लेट्स गो। यहाँ से पहले यहाँ से हटाओ, फिर सऊदी अरब पे इधर हमला करेंगे। इधर आ जाओ सारे ट्रूप्स। अरे यार देखो किसने, ओ भाई कितने सारे लोगों ने मेरे ऊपर वॉर डिक्लेयर करी है। देखो मोरक्को ने, इजिप्ट ने, कुवैत ने, तुनिसिया ने, नाइजीरिया ने, इराक ने। भाई मैं बताऊँ क्यों डिक्लेयर किया और, क्योंकि भाई मैंने सऊदी अरब पे अटैक किया है तो सब भड़क गया भाई मेरे ऊपर। तो भाई अब यार रुको, इनको थोड़ा पैसा देते हैं, इनको पैसे देके चुप करवाएंगे। तो भाई नाइजीरिया को हम पैसा देके चुप करवा देते हैं। ले भाई पैसा ले ले तू, हमारे ऊपर जंग मत छेड़। इसको इतना पैसा देंगे फिर ये चुप हो जाएगा। चलो भाई अब ये कुछ नहीं कहेगा। मैं देखो इंडिया है साइन अ पीस ट्रीटी विद नाइजीरिया, तो अब भाई नाइजीरिया तो चला गया रास्ते से। तुनिसिया कौन सा देश है यार? तुनिसिया यहाँ पर है शायद, तुनिसिया ये रहा। अरे भाई ये तो बहुत सस्ते में बिक गया, तो चलो इसको भी पैसे देके चुप करवा देता है। और कौन कौन से देश है? कुवैत, कुवैत कौन सा देश है यहाँ पर है? कुवैत तो, कुवैत को तो भाई हम वैसे ही हमला करके चुप करवा देगा। तो चलो भाई कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया। अब चलो अपनी आधी आर्मी तो, रुको थोड़ी आर्मी अभी मैं अपनी यहाँ भेजता हूँ इराक की तरफ, हमला कर देगी। और थोड़ी आर्मी यहीं रहेगी, थोड़ी आर्मी भी ट्रेन कर लेता हूँ, रुको थोड़ी आर्मी यहीं रहेगी और सऊदी अरब पर हमला करते हैं यहाँ से। चलो भाई ये देखो भाई इंडिया ने कब्जा कर लिया है सऊदी अरबिया पर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब। ओके गाइस आज के लिए इतना ही होगा इस वीडियो में, क्योंकि भाई इस वीडियो का पार्ट 2 ही बनाऊंगा। तो भाई देखिए हमारा इंडिया अभी ऐसा दिख रहा है। और गाइस अगले पार्ट में मैं चाइना को भी हरा दूंगा, ऑस्ट्रेलिया को भी, यहाँ से सारा अफ्रीका में भी थोड़ा लैंड ले लूंगा। और गाइस अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अगली जिससे मैं जब अगली वीडियो डालूँ तो आपको पता लग जाए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कर दीजिए। तो ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।